नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कुछ किए बिना ही यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक गणित के इतिहास में। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आए हैं परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना, और ये कैसे करते हैं आप लोगों के अक्सर सवाल रहते हैं। चाहे आप कक्षा 9th में पढ़ रहे हैं यानी क्लास 9th में, क्लास 10th में डीएलएड कर रहे हैं, एसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, या फिर आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपके एग्जाम में आ ही जाता है परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताएं, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या बताओ, 0 और माइनस 1 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए, या फिर आपसे पूछ दिया जाए 3/4 व ये 4/5 के बीच 9 परिमेय संख्या बताइए। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इन सभी क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। और एक बात याद रखिएगा, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनंत, इनफाइनाइट, यानी कोई निश्चित नहीं है। जैसे अगर हमने कहा कि 3/4 व 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, आप गेस करिए 7/9 हो गया, तो इतना एक ही नहीं होगा, और भी बहुत सी हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपने इसको दोनों को मान के निकाला तो एक आ गई, अब इसको दोनों के मान के निकालो एक आएगी, फिर कोई मानोगे एक आएगी, मतलब कभी खत्म नहीं होने वाली है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसे आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हो। तो देर ना करते हुए चलिए हम आपको कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसमें कैसे निकालते हैं। जैसे पहला सवाल है 0 और 1 के बीच, तो 0 और 1 के बीच हम एक परिमेय संख्या की बात पहले करते हैं। पूरा देखिएगा, हर तरह का क्वेश्चन होगा, आपकी ये समस्या आज से दूर हो जाएगी परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या की। और अगर लास्ट तक देखोगे ना तभी होगा भाई, नहीं तो नहीं। तो चलिए देखिए, 0 और आपका जो सवाल है उसे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नियम को समझ जाएंगे तो आप उस नियम पर अपना सवाल भी कर लेंगे। ये मत सोचिएगा कि आपका सवाल तो इससे मिल नहीं रहा है तो मैं क्यों देखूं, पहले नियम समझिए, कर ले जाओगे आप, पक्का हमारी गारंटी है। 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या, पहले एक की बात करते हैं क्योंकि शुरुआत एक ऐसे होती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैं आपको यहां पे दो तरीका बताऊंगा। अगर एक परिमेय संख्या निकालना है तो आप सूत्र लगाओगे, सूत्र होता है 1/2a+b, ये एक या दो परिमेय संख्या के लिए ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा परिमेय संख्या निकालनी होती है तो जो नहीं अच्छा होता है। तो 1/2, a का मान आप 0 रखोगे, b का मान 1, और इस तरह से ये हो जाएगा 1/2, ये जुड़ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि गुणा में 1, कुल मिला करके फाइनल में 1/2 आया। कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या 1/2 आ गई। अगर कोई बोले दो परिमेय संख्या निकालो इसके बीच में तो क्या करोगे, अब a का मान 0 रखो लेकिन b का मान 1/2 रख दो, 1 ना रखना, या फिर a का मान 1/2 रखो, b का मान इसको रखो, फिर इसके बीच एक परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर अगर आपको और भी निकालना है तो आप इसको a का मान मानो, इसको b का मान और निकाल लो, अनंत निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। समझ में आया ना? और हाँ चलिए हम आपको और भी क्वेश्चन दिखा देते हैं इसी टाइप का, ध्यान दीजिएगा। ये तो एक परिमेय संख्या हो गई, अगर कई परिमेय संख्याएं हो तब हम कैसे करेंगे इसको देखिए। जैसे अभी एक मित्र ने क्वेश्चन भेजा हुआ था और उनका सवाल जो था उसको आप लोग गौर करिएगा, उनका सवाल कुछ इस तरह से था, और ये आपके गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले थे, यूपी के ही। इनका सवाल क्या था ध्यान दीजिए, 3 व 4 के बीच 7 परिमेय संख्या, आप बताइए कैसे करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, 3 और 4 के बीच 7 परिमेय संख्या आपको निकालना है। अगर आप एक परिमेय संख्या निकालते हो तो क्या होगा भाई, 3 और 4 आप लेते हो, 3 4 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो, पहले आप सूत्र से करो, पहले मैं आपको सूत्र से दिखाता हूं, a प्लस बी और इंटू ये 1/2, ये फार्मूला में रखिए। उसके बाद इस फार्मूला के बाद हम लोग आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा कैसे करेंगे इसके आगे। देखिए इसके आगे करना क्या है, बहुत कुछ नहीं करना है, मान रखना है a का मान या b का मान, तो 1/2, a का मान 3, b का मान 4, इस तरह से आप आ जाओगे 1/2 × 7, मतलब 7/2।
तो अब आप कह सकते हो तीन और चार के बीच तो एक परिमेय संख्या आ गई 7/2, है ना। लेकिन आपको तो निकालना था कितनी, 7 निकालना था। अब आप इसको ए मानो, इसको बी मानो, फिर आप एक निकाल लोगे, फिर इसको ए मानो, इसको बी मानो, फिर एक आ जाएगी, फिर जो आएगा उसमें से किसी को ए मानो किसी को बी, एक को ए मानो एक को बी, दोनों को मान करके निकालते जाओ, अनंत निकाल सकते हो, केवल 7 ही नहीं। इसके अपोजिट एक तरीका होता है और भी, मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूं बिना सूत्र का। इसको देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे आपको इसमें 7 परिमेय संख्या निकालना है ना, और एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी बुक से आंसर ना मिले तो निराश मत होइएगा, क्योंकि किताब से उत्तर मिलना कोई निश्चित नहीं है। ये अनंत परिमेय संख्याओं का खेल होता है। तो मान लेते हैं कोई परिमेय संख्या आपने निकाला, किताब में कुछ और दिया है, तो जरूरी थोड़ी है गलत है ना। एक तरीका ये है कि आप इसको भिन्न में बना लो, ये बन गया ना, ये 3/1 हो गया और ये 4/1 हो गया। आप क्या करेंगे, जब इनके हर बराबर हो जाएं, तो जितनी परिमेय संख्या आपको निकालना था 7 ना, उससे एक अधिक करके मतलब 8 से आपको इसमें गुणा करना है नीचे ऊपर, ठीक ना। तो 8 से गुणा कर दो नीचे ऊपर, 8 3 24/8, और ये हो जाएगा 8 4 32/8। मतलब कहने का आपका ये आ गया दोनों स्टार्ट एंड एंड, परिमेय संख्या आ गई ना आपकी 8, 8 से आपने गुणा किया, 7 परिमेय संख्या आएगी। कैसे, ये देखो इधर, पहले इसको लिख लो जो छोटा वाला है 24/8, आपको 7 निकालना है, 7 जगह छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 32/8, ये लो आपका उत्तर आ गया आपके सामने। बस गौर से देखना है आपको, कोई टेंशन नहीं करना है, समझ में आने की हमारी गारंटी होगी, बस आप क्लास को पूरा देखते जाइए, एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। परिमेय संख्या का टॉपिक आप बिल्कुल क्लियर कर ले जाओगे पीबीआर स्टडी के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको अगली एक बहुत ही उम्मीद भरी क्लास मिल सके। कर लिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा इस क्लास को। तो चलिए आगे चलते हैं, ये बताओ 24 के बाद क्या आता है, 25 आता है ना जी। तो चलो भाई, ये 25/8 हो गया, 25 के बाद क्या आएगा, 26 आएगा, मतलब कि 26/8 हो गया। 26 के बाद क्या आएगा, हाँ जी क्या आएगा, 27 आएगा। कामा लगा लगा के लिखते जाइएगा बीच में, मैं ज्यादा जगह नहीं इसलिए थोड़ा फटा के लिख दे रहा हूँ। तो 27 हो गया, 28/8, 29/8, 29 के बाद क्या होगा भाई, 30/8, 31/8। तो चलो गिन लो, ये संख्याएं 7 हो गई कि नहीं, जल्दी से गिनो 7 हो गई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आपने निकाल लिया 7 परिमेय संख्या। बात समझ में आई, अगर आई तो तुरंत लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये क्लास कैसी लगी आपको। पीवीआर स्टडी की लाइव क्लास होती है शाम को 7:30 बजे से, जीरो लेवल बेसिक मैथ की ऐतिहासिक क्लास शाम को 7:30 बजे से, जीरो लेवल बेसिक मैथ अवश्य से देखें। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल बैंक पीओ एसबीआई वगैरह कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन की मैच रात्रि 8:30 बजे से अवश्य देखिए। बाकी और भी बहुत सारी क्लास होती हैं, ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़िएगा, बहुत सारा है बड़ा सा, समझ जाएंगे सब कुछ। तो कुछ और अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़ें इन्हीं बातों के साथ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गौर से देखिएगा, टेंशन मत करिएगा, हमें तो लगता है सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन और कर देते हैं। देखिए, आप लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि इन्होंने तो पास पास वाले नंबर को कर दिया, 3 और 4 को कर दिया, लेकिन ये कुछ छोड़ के क्यों नहीं कर रहे हैं आखिर। तो चल भाई, एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं, इसके बीच में 3 परिमेय संख्या, क्वेश्चन नंबर तीसरा या चौथा जो भी नंबर हो डाल दो भाई फटाफट, 4 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या। देखिए आप तरीका समझ लीजिए, सवाल कोई भी हो कर ले जाएंगे, पूरे 101% हमारी गारंटी है। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी हम गारंटी नहीं लेते हैं जब तक मानकता नहीं होता है, अगर आप नियम समझ लोगे तो कर ले जाओगे। 4 व 6 के बीच 3 परिमेय संख्या कैसे करेंगे, पहले आप इसको चुपके से लिख लो, इसके नीचे एक छिपा के ये लिख लिया, आपको 3 निकालना है ना, हमने बढ़ाया, 1 बढ़ा के गुणा करोगे, 3 के आगे 4 आता है ना, 4 से गुणा करना है नीचे ऊपर, ये लो 4 और ये 4, इस तरह से ये 16/4 हो गया और ये 4 छंग 24 बटा का हो गया 4।
आ गया आपका उत्तर, 6 चौक 24। तो चलो भाई एक घेरा बना लो, क्षेत्र बना लो एक। आपको तीनें निकालना है लेकिन यहाँ और सारी आ सकती है। देखिए 16/4 और ये 3 निकालना है तो मैं 3 ही जगह बनाऊंगा, 24/4। ये देखिए 17/4 आएगा, 18/4 आएगा, ये 19/4 आएगा, उसके बाद 20/4 यानी कि 20/4, 21/4 वगैरह वगैरह, चाहे जितना निकाल लो। समझ में आ गई ना बात? कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है तो तुरंत पूछ सकते हैं, निसंकोच पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी किताब में दिया गया उत्तर मिल जाए, ठीक है? हो सकता है आप में 17/4, 18/4, 19/4 आ रहा है और बुक में उन्होंने लिया हो कहाँ से, 18 से शुरू किया हो, तो 18/4, 19/4, 20/4, 21/4 दे दे 23 तक, तो क्या गड़बड़ है? नहीं ना, जल्दी से क्लास को लाइक कर दो तुरंत बिना देर किए हुए, ठीक है? समझ गए ना?